और इंडिया टीवी पर दिखने वाली है वो 56 आंखें जो आपका पीछा कर रही है, वो 56 आंखें जिनके सामने आते ही आपकी जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। हर घर के लिए आज बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेकिन इस खबर से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंडिया टीवी आपकी आवाज। लेफ्ट ने आईपीएल मामले में फंसे शरद पवार को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। लेफ्ट ने मनमोहन सिंह पर पवार को बचाने का आरोप लगाया है। उधर पवार ने कहा सिटी कॉरपोरेशन में मेरे शेयर्स हैं, लेकिन बोली लगाने का इससे कोई रिश्ता नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम कल से फिर बढ़ सकते हैं। सरकार पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर सकती है। कल होने वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा सकता है। दिल्ली के अलीपुर इलाके में होंडा सिटी कार से कुचलकर एक बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार की टक्कर से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार पर दिल्ली पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। कार में सवार दो लोगों को हिरासत में लिया गया। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल होगा। युवराज सिंह की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चयन समिति की बैठक से पहले ज्यादातर चयनकर्ता युवराज के साथ नहीं है, जबकि सचिन तेंदुलकर को एशिया कप के लिए मना लिया गया है। अमेरिका के टेक्सास शहर में कार रेसिंग के दौरान भयानक हादसा हुआ है। चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई, लेकिन कार ड्राइवर शिमोन डी सिल्वेस्ट्रो को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वक्त मेरी आंखों के सामने और आप सबके सामने यहाँ बहुत सी चीजें हैं। एक कोक का कैन है, मेरे हाथ में एक घड़ी है, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी घड़ी है, साथ ही एक डायरी है, लेकिन ये सब है वो 56 आंखें जो हर समय आपको देख रही हैं, आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी चेतावनी है, हर घर के लिए सावधान करने वाली ये खबर है। हिंदुस्तान में आ चुकी है ऐसी 56 आंखें जो हर माँ बहन बेटी और बहू के लिए खतरा बन सकती है। आप सोच रहे होंगे कैसे, घर से लेकर ऑफिस तक, बाजार से लेकर होटल तक, आप जहां भी जा सकते हैं ये 56 आंखें आपका पीछा कर रही हैं। आज हम आपको बताएंगे कहां कहां छिपी हैं ये 56 आंखें और कैसे इन आंखों से बचना बेहद मुश्किल है। 56 आंखें आपको घूर रही हैं। किसकी हैं ये 56 आंखें, कहां छुपी हैं ये आंखें, कहां से घूर रही हैं ये आंखें, इन आंखों के निशाने पर हैं आपके घर की मां बहन और बेटियां। अनक भी नहीं लगेगी और आपकी बहू बेटियों का स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा। कहीं पे जाते हैं तो ट्राई करने में थोड़ा डर लगता है। ये आंखें पेन में हो सकती हैं, चश्मे में हो सकती हैं, किसी की टाई, किसी की कलाई में हो सकती हैं, चाबी की रिंग, कैलकुलेटर, टेबल क्लॉक, कहीं से भी ये आंखें आपकी जिंदगी में झांक सकती हैं। कभी फैन में है, कभी ट्यूब में है, कभी लाइट में है, कभी पेन में है, कुछ नहीं पता लगता कहां पे। लेडीज कहीं सेफ तो है ही नहीं। ऑफिस, मॉल, सिनेमा हॉल, ट्रायल रूम में जाने वाली बहन बेटियों की इज्जत के लिए ये स्पाई कैम बहुत बड़ा खतरा बन गया है। डर लगता है। नहीं नहीं, हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है। ये 56 आंखें बहु बेटियों को ही नहीं, घर के किसी भी सदस्य को अपना शिकार बना सकती हैं। स्पाई कैमरे में अब 56 आंखें लग चुकी हैं। ये आंखें आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली इनमें से किसी भी चीज में छुपी हो सकती हैं। कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ, कुछ लगा तो नहीं हुआ, मुझे डर लगता है कि सही बात करते हैं। स्टिंग ऑपरेशन करने वाला कैमरा बाजार में खुलेआम बिक रहा है। स्पाई कैम आपको चंद हजार रुपयों में कहीं से भी बहुत ही आसानी से मिल सकता है। अगर ये स्पाई कैम किसी बुरी नीयत वाले शख्स के हाथ लग जाए तो वो आपकी पूरी जिंदगी नरक बना सकता है। आज इंडिया टीवी आपको आगाह कर रहा है इन्हीं छिपे हुए कैमरों से।